हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देता हूं, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या किसी भी सब्सिडरी पेपर का सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। BA BSc एंड BCOM सेकेंड ईयर वाले बच्चे कृपया ध्यान दें, यदि आपने भी RB हिंदी जैसे सब्जेक्ट को रखा है तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और 10 मिनट के वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी भी ली जा रही है, तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन सा मौका है। यहाँ पर जितने भी सवाल देख रहे हो आप, ये सारे सवाल हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किए गए और इन प्रश्नों का उत्तर भी यानी कि आंसर भी हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख ले तो देखने मात्र से ही याद हो जाते हैं, तो समझ सकते हो, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कितने आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको PDF के रूप में मिलेंगे, ठीक है। आंसर जो है PDF के रूप में मिलेंगे, लेकिन आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर वीडियो के अंत में बताऊँगा कैसे आप आंसर का PDF कुल मिलाकर एक मिनट में बाकी बच्चों की तरह प्राप्त कर पाओगे। तो पहला सवाल यहाँ पर देख रहे हो, समाज और धर्म में निबंध व्यक्त विचारों को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। इन्हें जो है हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा गया है, ठीक है। और जितने आसान शब्द में आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि 100 में 100 मार्क्स आप यहां से करके आओगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहीं से सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। समाज और धर्म निबंध में जो व्यक्त विचार किए गए हैं, जो विचार प्रकट किए गए हैं, उनको अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप अपने प्यारे से कॉपी में लिखिए, स्वरूप देखिए में निबंधकार ने क्या कहना चाहा स्पष्ट कीजिए। स्वरूप में देखिए में निबंधकार, जी हाँ दोस्तों, स्वरूप देखिए एक निबंध है और निबंधकार ने इसमें क्या कहना चाहा आपको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में पूछा जा सकता है, स्वरूप देखिए में निबंध में लेखक के कथित विवेचना करें, ठीक है। देखिए ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, परंतु आपको लग रहा होगा कुछ अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, इसका उत्तर भी बिल्कुल सेम होने वाला है, ये प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, परंतु कभी ये पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिए जाते, तो आपको घबराना नहीं है। स्वरूप देखें निबंध में लेखक के कथित की विवेचना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिखोगे। नरेंद्र देव के अनुसार विविधता में एकता को समझाइए, ठीक है। नरेंद्र देव के अनुसार विविधता में एकता को आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। अथवा में पूछा जा सकता है, विविधता में एकता निबंध का सारांश लिखिए, ठीक है। विविधता में एकता निबंध का सारांश लिखिए, इन दोनों में से एक सवाल अवश्य पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कोई संदेह की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर आपका, महात्मा गांधी ने राम को मोक्षदाता कहकर क्यों अभिहित किया, ठीक है। महात्मा गांधी से सभी वाकिफ हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं वो, उन्होंने राम को मोक्षदाता कहकर क्यों अभिहित किया। प्यारे दोस्तों, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा आप अपने कॉपी में लिखोगे, पठित पाठ के आधार पर राम के स्वरूप की विवेचना करें, ठीक है। पठित पाठ के आधार पर राम के स्वरूप की यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर छठा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रामायण और महाभारत में प्राप्त सांस्कृतिक चेतना, उनके महत्व का वर्णन कीजिए। रामायण और महाभारत में प्राप्त सांस्कृतिक चेतना व उनके महत्व का यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, मोक्षदाता राम निबंध में निहित विचारों पर प्रकाश डाले, ठीक है। मोक्षदाता राम का जो निबंध है उसमें जो विचार डाले गए हैं, मतलब प्रकट किए गए हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आठवां जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए, वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। संपूर्णानंद के निबंध के आधार पर सिद्ध कीजिए कि सामाजिक निर्माण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। संपूर्णानंद के निबंध के आधार पर सिद्ध कीजिए कि सामाजिक निर्माण में, ठीक है, जब कोई समाज का निर्माण होता है तो उसमें धर्म की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नाइन है, महात्मा गांधी ने राम को किस रूप में समझा, पठित पाठ के आधार पर विवेचना कीजिए, ठीक है। राम को प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से समझा, किसी ने राम को मर्यादा कह के समझा, तो किसी ने राम को एक जिम्मेदार मतलब महापुरुष करके समझा, तो किसी ने राम को जो है भगवान के रूप में समझा, परंतु यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि राम को हम मोक्षदाता के रूप में समझे हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर विवेचना करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 जो कि संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए कह रहा है, इसमें आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, संक्षिप्त टिप्पणी ही लिखना है। महात्मा गांधी के लेखक का परिचय दीजिए। विनोबा भावे का यहाँ पर संक्षिप्त जीवन वृत्तांत आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। आचार्य नरेंद्र देव का जीवन परिचय आपको यहाँ पर देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखनीय देन के बारे में कहा जा रहा है। डॉक्टर देवराज का परिचय यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद आपसे टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद निबंध लिखने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। निबंध से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्यारे दोस्तों इस बार जो है विज्ञान काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में आपको लिखना है। प्यारे दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, अभी जो मतलब हमारे शहर में गांव में जो है स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो क्यों चलाए जा रहे हैं इसके बारे में आपको अच्छे ढंग से काफ़ी अपने शब्दों में लिखना है। मशीनी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है, वाणिज्य की भाषा, दूरदर्शन की भाषा, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बाद सूचना का अधिकार, दूरसंचार, चांदनी रात में नौका विहार, आयुष्मान भारत की दृष्टि में आपका प्रिय कवि कौन है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। विज्ञान के बढ़ते चरण, जी हाँ, इससे सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, देखिए आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता या अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मैं प्रधानाध्यापक होता तो क्या होता। तो प्यारे दोस्तों, इससे सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखोगे। इसके बाद हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी इंग्लिश में वर्ड आप दिख रहे हैं, आपको इस सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि इन सभी यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं, इन सभी प्रश्नों का हिंदी मीनिंग याद कर लेने, क्योंकि इससे 5 सवाल अवश्य रहेंगे। मैसेज का क्या होता है हिंदी, इसके बाद यहाँ पर पेटेशन का क्या होता है, सेशन का क्या होता है, टेनेंट का क्या होता है, लोकल बॉडी, कस्टम ड्यूटी, जनरल इलेक्शन फंड, इसके बाद जुडिशियल पावर, इसके बाद लैंड रिकॉर्ड, चांसलर, प्रोटेक्टर, इसके बाद ब्रांच मैनेजर का क्या होता है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का क्या होता है हिंदी, सेक्शन का क्या होता है, असेंबली, जीरो आवर का क्या होता है, शून्यकाल, कंप्यूटर का क्या होता है, संकलन या परिकलन, डायरेक्टर का क्या होता है, निर्माता, इसके बाद हंगर स्ट्राइक का क्या होता है, ओपिनियन का क्या होता है। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आपको यहाँ पर हिंदी रट लेना है, ठीक है। यही वर्ड आपके एग्जाम में 5 गो पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ से भी आपका जो है कम से कम 15 से 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपका 5 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट है सवाल। यहाँ से आपका 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ से 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। यदि एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ ताकि आप पुनः देख लो। समाज और धर्म निबंध में व्यक्ति विचारों को अपने शब्द में लिखिए। स्वरूप देखिए निबंधकार ने क्या कहना चाहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका नरेंद्र देव के अनुसार विविधता में एकता को समझाइए या विविधता में एकता का निबंध पूछा जा सकता है। इसके बाद महात्मा गांधी ने राम को मोक्षदाता कहकर क्यों पुकारा। इसके बाद पठित पाठ के आधार पर राम के स्वरूप की विवेचना करें। रामायण और महाभारत में प्राप्त सांस्कृतिक चेतना उनके महत्व का वर्णन कीजिए। मोक्षदाता राम पर निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। संपूर्णानंद के निबंध के आधार पर सिद्ध कीजिए कि सामाजिक निर्माण में यानी कि कोई भी समाज का निर्माण हो रहा है, मान के चलो एक बड़ा सा प्लॉट है, इसमें इस प्लॉट को प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे व्यक्ति रहेंगे, तो धीरे धीरे जो व्यक्ति रहेंगे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं एक समाज बन जाता है, ठीक है, एक समाज बन जाता है। अब ये किस समाज का है, हिंदू समाज का है कि मुस्लिम समाज का है, तो कहीं ना कहीं समाज में धर्म की क्या भूमिका है ये आपको यहाँ पर बताना होता है। महात्मा गांधी ने राम को किस रूप में समझा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है। महात्मा गांधी के लेखक परिचय, विनोबा भावे का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत, आचार्य नरेंद्र देव का जीवन परिचय, डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखनीय देन, इसके बाद डॉक्टर देवराज का यहाँ पर परिचय पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी सवाल देख रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विज्ञान में पूछा जा सकता है, निबंध में पूछा जा सकता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के बढ़ते कदम, दूरदर्शन की भाषा, इसके बाद प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, तो यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता है। प्यारे दोस्तों इस पर भी निबंध पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हो इन सभी इंग्लिश वर्ड का जो है आपसे हिंदी मीनिंग पूछा जा सकता है, हिंदी मीनिंग पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लीजिए। यदि नहीं लिखा तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, या आप जो है बैक वीडियो को बैक करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर फुल मार्क्स की गारंटी ली जा रही है, तो इतना तो कर ही सकते हो ना आप। तो प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर कैसे प्राप्त करोगे। आंसर प्राप्त करने का कुल मिला के 2 तरीका है, ठीक है। पहला तरीका यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको वीडियो देखने मात्र से इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद होने वाला है, तो समझ सकते हैं कितने आसान शब्दों में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, यदि आप वीडियो देखना नहीं चाहते हो, आंसर का PDF प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, आंसर का PDF प्राप्त करना चाहते हो, तो प्यारे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम को आप सभी बच्चों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है आपको, किसी भी
वक्त जो है इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ देखने को मिल सकता है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप भी अपनी पढ़ाई में 4 चांस लगा सकते हो और आप भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है, इस तरह का मौका सभी को नहीं मिलता। तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो भी लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।